गैस, मेरा अभी वाटर प्यूरीफायर का इंस्टॉलेशन होगा। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था वी-गार्ड का जेनोरा सीरीज वाटर प्यूरीफायर, जो कि आर ओ प्लस यू एफ प्लस एम बी है। मैंने बहुत जगह देखा, छान मारा, यहाँ तक कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जो जो है सारे प्लेटफॉर्म देखा, तो वहाँ पे मुझे जो सबसे बेहतरीन लगा, सबसे अच्छा लगा, जो कि बजट के अंदर भी आता हो और क्वालिटी भी बढ़िया हो, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी भी अच्छा चाहिए और बजट के अंदर भी होना चाहिए। ये दोनों कंबाइंड करके मुझे वी-गार्ड का जेनोरा सीरीज़ के रूप में वाटर प्यूरीफायर मिल गया है, जिसके अंदर दोनों क्वालिटी बरकरार है। तो मैंने झट से ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर करने का 3-4 दिन के अंदर आ गया प्यूरीफायर। 16th of May को आ गया और वहाँ पे दिखा रहा था कि 18th of May को इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, पर 17th of May को वहाँ पे ऐप में शो हो रहा था कि इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे आए, तो वॉल माउंट वाटर प्यूरीफायर है, तो यहाँ पे वी-गार्ड ने पूरा नाप तोल के स्टिकर दिया है, जहाँ की उसको वॉल में आप बिठा दो, उसके बाद वहाँ पे वो नाप लेके वहाँ पे ड्रिल कर सकते हो। तो ये पीछे यहाँ पे जो ये देख रहे हो, तो यहाँ पे स्क्रू अंदर घुसेगा, यानी वॉल माउंट होगा पहले, उसके बाद इसको ऊपर टंग दिया जाएगा सीधा, मतलब सीधा सीधा बात में टंग दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रू ऊपर का स्क्रू लग गया और नीचे एक फिल्टर लगेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे ड्रिल करके यहाँ पे इसको भी लगा दिया गया। तो ये जो नीचे वाला फिल्टर है, इसको हमेशा प्यूरीफायर के निचले वाले हिस्से में लगाना पड़ता है, ताकि वाटर का प्रेशर सही रहे। इसको अगर ऊपर लगा दोगे तो फिर प्रेशर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे साथ में जो कनेक्टिंग पाइप दिया गया था, उसको यहाँ पे इसके फिल्टर के यहाँ पे लगाने का जो मुँह है, वहाँ से उसको नापने के बाद जितना होगा वहीं से कट करके इसको लगा दिए। अब दूसरे साइड में भी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो एक्चुअली जो इंस्टॉलेशन के लिए आए थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्वीट थे, लेकिन इन्होंने मतलब पहले हम लोगों ने डिसाइड कर नहीं पा रहे थे किस साइड में लगाएं, किस साइड में या फिर उस साइड में। ये मतलब पूरे टाइम प्यूरीफायर को हाथ में उठा के इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके दिखा रहे थे कि किधर सुविधा होगा, किधर कम्फर्ट मिलेगा आपको। तो फाइनली हम लोगों ने एक एरिया चूज किया, तो उसके बाद यहाँ पे बाकी एक काम आगे बढ़ा, बाकी इन्होंने वहाँ पे ड्रिल किया। तो प्यूरीफायर को वहाँ पे ड्रिल करने के बाद सबसे पहले इसको खोला गया, क्योंकि इसका अंदर का जो फिल्टर सब है इसको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअली 7 स्टेप में पानी फिल्टर होके आता है। तो एक एक फिल्टर को यहाँ पे खोला गया, इन्होंने खोला एक एक फिल्टर को, अंदर से खोलने के बाद इसको डायरेक्ट नलके के साथ वहाँ पे कनेक्ट किया और इसको अंदर पानी भर के इसको वॉश किया, मतलब बाहर से नहीं, अंदर से वॉश किया, जो कि अंदर से वॉश होना ज़रूरी है, बाहर से वॉश करना ज़रूरी नहीं है। बाहर से कुछ नहीं होता है, पानी अंदर अंदर से गुजरते हुए आएगा। जितना अंदर जितना सब देख रहे हो ना, बॉक्स 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 जितना देख रहे हो, पानी एक एक के अंदर से, एक के अंदर से दूसरे, दूसरे के अंदर से तीसरे, ऐसे करते करते होके फिल्टर होके बाद में यहाँ पे टैंकी में आएगा, जो प्यूरीफायर का जो टैंक है 7 लीटर का। तो हमारा प्यूरीफायर का 7 लीटर का टैंक है, किसी का 5 लीटर का होता है, किसी का 10 लीटर का तो होता है, किसी का 15 लीटर का होता है। तो इतना ज़्यादा बड़ा हमको पूरा गांव को खिलाना नहीं है, तो 2-3 लोग इस्तेमाल करने के लिए, 3-4 लोग भी इस्तेमाल करने के लिए 7 लीटर इनफ है। तो अंदर से यहाँ पे भैया पूरा सब वॉश कर रहे थे, एक एक पुर्जा पुर्जा अंदर से सब वॉश कर दिया। मैं पूरा टाइम यहाँ पे वीडियो बना रहा था, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी साइड से, कभी दाएं से बाएं से, मैं वीडियो अपना क्लिप ले रहा था। तो क्लिप तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ले लिया था, इतना क्लिप ले लिया था ताकि ये 45 मिनट्स तक का क्लिप हो गया था। इसको काट छाट करने के बाद 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड में आके डन हुआ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से वॉश कर रहे थे यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे ये पाइप को नलकी के पाइप के साथ ऐड किया और वहाँ पे नलकी को थोड़ा लूज़ किया, तो पानी अंदर आया फिल्टर के अंदर और फिल्टर होके बाहर निकल रहा है। यहाँ पे धो के उसको अंदर से धो दिया था, उसके बाद उसको थोड़ा झाड़ने के बाद थोड़ा जितना मैक्सिमम पानी निकालने का, जो चीज़ जहाँ से लिए थे वहाँ पे उसको लगा के, और जो पाइप जिसके साथ कनेक्टिंग था वो पाइप को उसके साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक करके जितने फिल्टर है अंदर, सारे फिल्टर को उन्होंने धोए, यहाँ पर सारे फिल्टर को उन्होंने एक एक करके धो डाला। मैं पूरा सबका तो दिखा नहीं पाया, क्योंकि अगर दिखाता तो एक ही कितना बार देखोगे भाई, बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद अब इसको फिर
ऊपर वॉल में टंग दिया जाएगा, सीधे सीधे बाथ में ऊपर लटका दिया जाएगा। देखो यहाँ पे इसको लगा दिया, और मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, जो पाइप जहाँ से निकाला था उसको वहीं पे फिर से इन्होंने लगा डाला, और साथ में वाशर वगैरह जो भी जहाँ पे था, छोटा छोटा चीज, हर एक चीज़ को वहाँ पे इन्होंने लगाया। एक्चुअली काफ़ी टाइम, मतलब डायरेक्ट सर्विस से लोग आए थे ना, अगर फ्रेंचाइजी से लोग आते तो फिर इतना केयरफुल नहीं होते, पर इन्होंने एकदम हर एक चीज़ बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, बहुत धीरे से, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी में काम नहीं किया, क्वालिटी वाला काम किया। बोलने का मतलब ये है, जल्दबाजी में एक काम सारना होता है, जल्दी जल्दी के काम निपटाओ और यहाँ से चलता बनो, और एक होता है एकदम अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन, सही तरीके से काम करो उसके बाद जाओ। तो इन्होंने क्वालिटी वाला काम किया, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो उसके बाद यहाँ पे एक ही जहाँ पे जो पाइप था, सारे पाइप को उन्होंने लगा दिया। मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि एक मतलब जिसको कुछ पता भी नहीं, मेरे और आपके जैसे बंदे भी, ये वीगार्ड का वाटर प्यूरीफायर, जेनोरा सीरीज का वाटर प्यूरीफायर होगा तो पक्का इंस्टॉल कर लेगा। मैंने इस तरीके से वीडियो में यहाँ पे दिखाया है, तो अगर इसको एक दो बार देख लोगे तो आप खुद भी लगा लोगे। पर लोग आएंगे, लोग का इंतज़ार करना, खुद लगा मत लेना। तो बोलने का मतलब यह है, इतना अच्छे तरीके से वीडियो बना के पूरा डाला है, एक एक चीज़ को मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद इन्होंने जब इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे प्लग इन करने के बाद यहाँ पे इसको भीगाड़ के जो जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद एक्चुअली फर्स्ट टाइम में लाइन नहीं आया, कनेक्शन नहीं मिला। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे इन्होंने इसको घुसा दिया, और यहाँ पे स्विच देने के बाद ऊपर कनेक्शन नहीं आया। ऊपर एक ग्रीन ब्लू लाइट जलने वाला है, क्योंकि तीन लाइट है, ऊपर ब्लू लाइट जलेगा, मिडिल में भी ब्लू लाइट जलेगा, और नीचे रेड लाइट जलेगा। इसका अलग अलग फंक्शन है, उसमें नहीं जाते हैं, तो कनेक्शन नहीं हुआ। तो मैं तो काफ़ी डर गया भाई, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, कनेक्शन क्यों नहीं आया। नया भीगाड़ के लिए रिप्लेसमेंट है, 10 डिस्क का रिप्लेसमेंट तो मेरा है, पर फिर भी फिर रिप्लेसमेंट कराओ, फिर आएगा, फिर ये आएंगे यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, काफ़ी लंबा प्रोसीड्योर हो जाएगा, इतना वेट कौन करेगा भाई, कब तक नीचे जाके पानी उठा के लेके आओ इतना। अल्टीमेटली उनको मिल गया कहाँ पे फॉल्ट था, तो जहाँ पे भीगाड़ के निचले हिस्से में जहाँ पे वो प्लग पॉइंट जहाँ पे था, वहीं पे एक फॉल्ट निकला, एक वायर कनेक्टेड नहीं था, ठीक है, वहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ था। यहीं पे देखो, ये देखो, ये इन्होंने वायर निकाला, हमने निकाला, देखो इधर जो एक वायर यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ, ये वाला जो अभी हाथ से खींच रहे हैं, ये वाला वायर वहाँ पे लगा नहीं है, अलग वहाँ पे दिया गया था। उसको जैसे ही कनेक्ट किया तो कनेक्शन हो गया। इन्होंने यहाँ पे कनेक्शन को एकदम सही तरीके से जैसा था वैसे इन्होंने जोड़ डाला। एक्चुअली ये भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे, ये बोल रहे थे कि नया वाटर प्यूरीफायर क्या हो गया, कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा था। मैं भी घबरा गया, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। तो फाइनली सब कुछ, समस्या हल हो चुका है, अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब इसको वॉल में टंग दिया जाएगा यहाँ पे, और बाकी थोड़ा बहुत जो इधर उधर प्लग का काम था, इन्होंने उसको भी निपटा डाला। ये यहाँ पे सब इन्होंने कर डाला, जो चीज़ जहाँ से निकाला था उसको वहाँ पे सही तरीके से फिर से लगा डाला, क्योंकि इनको प्रॉपर सारा काम आता है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट सर्विस से है। अगर फ्रेंचाइजी से होते तो फिर इतना ज़्यादा, अगर ये सब प्रॉब्लम होता तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता था, पर ये डायरेक्ट सर्विस है तो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। फ्रेंचाइजी वालों जो होते हैं उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको सही तरीके से लगा के फिर वॉल में टंग दिया,
बस और क्या, अब पियोपन नलके के साथ भी जुड़ गया, अब फिल्टर होके पानी आएगा एकदम। देखो यहाँ पे इसको, ये वायर को, ये जो नीचे वाला जो यहाँ पे प्लग पॉइंट है, यही पे प्रॉब्लम था। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहाँ पे लाइट भी जल रहा है, कनेक्शन मिल गया। इंस्टॉलेशन करने वाले भैया यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो पाइप है, तो जो रेडिएटर पाइप है, इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है, तो इसको इतना लंबा रखें या फिर काट दें। तो मैंने बोला कि अभी रख दो, काटना नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी मैं बात के यहाँ पे रख देता हूँ, अगर बाद में आपको ज़रूरी लगे तो फिर माप करके जितना चाहिए उतना रख के बाकी काट दो। और फिर उन्होंने बोला ये जो पानी फिल्टर होके, जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है, जो मतलब जो ज़रूरी नहीं है उसको बाहर निकाल रहा है, और जो ज़रूरी पानी टैंकी में दे रहा है। इन्होंने बोला जो पानी बाहर निकल रहा है तो उसको एक बाकेट में करके पकड़ लो, या फिर कोई कंटेनर में पकड़ के उसको वॉशरूम में या फिर पेड़ पौधे में देना चाहते हो तो वहाँ पे दे सकते हो। पर इससे कपड़ा मत धोना, क्योंकि ये बहुत खारा पानी है, कपड़ा धोगे तो कपड़ा खराब हो सकता है। और भी उन्होंने बताया अगर इसको ऊपर की ओर खींच दोगे तो फिर पानी ऑल टाइम गिरेगा, और बॉटल में फिल करना चाहते हो तो फिर इसको इस साइड करके बॉटल को अंदर घुसा दो, पानी बॉटल में फिल होता रहेगा। उसको ऊपर कर दोगे तो ऑल टाइम पानी आएगा। और इन्होंने बताया कि अगर जब पानी पूरा फिल हो जाएगा तो वो जो मिडिल वाला जो लाइट है, मिडिल वाला लाइट वो जल जाएगा, और मिडिल वाला लाइट जल जाएगा तो इसका मतलब है पानी फिल हो गया है, पूरा टैंक फिल हो गया है। तो तब यहाँ पे स्विच को बंद कर देना है, पानी को इस्तेमाल करो, पूरा पानी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद स्विच दो, फिर उसके बाद जो कि ऊपर वाला लाइट जलेगा, और जब फिल हो जाएगा फिर मिडिल वाला लाइट जलेगा। अगर पानी का गड़बड़ी कभी हुआ कि पानी टैंकी में नहीं है, शॉर्टेज है, तो फिर निचला वाला जो लाइट है वो रेड लाइट जल जाएगा। तो इन्होंने ये सारा प्रोसीड्योर बता दिया। अपना नाम था? रामकृष्ण पाल। रामकृष्ण पाल, पाल। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये वाला इंस्टॉलेशन का वीडियो आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल है तो फिर मुझे भी बेहद खुशी होगी। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।